हेलो एवरीवन, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लोक अदालत क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यह विषय क्यों चर्चा में है, ओडिशा के कंधमाल जिले में एक आदमी ने 20 से अधिक प्रयासों के बाद अपना आधार कार्ड प्राप्त करने में विफल रहने के बाद लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में अभी लोक अदालत सुनवाई कर रही है। तो आइए जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह और एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी गया है और आगे भी पूछने की संभावना बनती है। तो फ्रेंड्स, लोक अदालत क्या होते हैं, तो यह पूज्य महात्मा गांधी जी के कंसेप्ट पे आधारित है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये लोगों द्वारा चलाया गया एक अदालत होता है जिसमें कि किसी तरह की फीस नहीं देनी होती है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में कोर्ट के चक्कर अगर किसी को लगाना पड़े तो वह फीस के तले दबे जाता है, यानी उसको इतनी फीस देना होता है कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि ये लोक अदालतें होती है, ये जनता के लिए होती है। और इसमें क्या होता है कि एक आपसी मामले जो होते हैं, आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है मामलों का। तो यह काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, इसका निपटारा जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। आपसी मामलों को आपस में ही दोनों पक्ष को आमने सामने बुलाया जाता है और दोनों पक्षों में समझौता किया जाता है और सौहार्दपूर्ण तरीके से इसे सॉल्व आउट किया जाता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आइए, इस अदालतों का एक स्तर भी होता है, जैसे एक उच्च न्यायालय स्तर, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय स्तर पे भी होता है, उच्च न्यायालय स्तर पे भी होता है, जिला स्तर पे भी होता है और ग्रामीण स्तर पे भी इनकी स्थापना की जाती है। तो यह हर स्तर पे कार्य करता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवाद की समाधान किया जाता है। यहाँ क्योंकि हमने अभी बताया था कि यहाँ परस्पर समझौता किया जाता है, अगर परस्पर समझौता हो जाता है तो दोनों का विवाद उसका समाधान भी मिल जाता है, तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ये जो अदालत होती है, इनमें जो फैसला दिया जाता है, इनका जो निर्णय दिया जाता है, ये दोनों पक्षों पे बंधनकारक होता है। ये बात हमें ध्यान रखना जरूरी है, इनका जो फैसला होता है यह दोनों पक्षों पे बंधनकारक होता है और इसे डिक्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डिक्री, इसे डिक्री कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे डिक्री कहा जाता है और इसे किसी न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो यह भी बात हमें ध्यान रखना है। लोक अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर किया जाता है। यह हमें काफी अच्छे से ध्यान रखना है, या एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी लोक अदालतों की आयोजन कौन करता है। तो यह नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण बात है। लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण होता है। और हम देखते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तो जिला न्यायालयों तक कितने केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं और इस बीच में इन अदालतों का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण व्यवस्था हो जाती है, आज के समय में इसका काफी महत्वपूर्ण रोल यह अदा कर रहा है। विधिक के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता तथा ऐसे मामले जहां संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ से अधिक का हो। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बोला कि ऐसे कुछ अपराध होते हैं जिसका बेल नहीं होता है, जो एकदम
संज्ञेय अपराध जो होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, यानी ऐसे बलात्कार के केसेस हो गए, ऐसे अपराधों को इनमें नहीं सुना जाता। इसके लिए जिला स्तर से फिर आगे के कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय, फिर सुप्रीम कोर्ट, सबको पता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी जमानत नहीं होती ऐसे मामले और 1 करोड़ से ज्यादा के मामले यहाँ पे नहीं सुना जाता। लोक अदालत की स्थापना का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो यह हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा दिया गया था यह विचार। लोक अदालतों का कंसेप्ट जो दिया गया था, पीएन भगवती द्वारा इसकी कंसेप्ट रखी गई थी। और सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन वर्ष 1982 में गुजरात में किया गया। पहला लोक अदालत का कहाँ पे हुआ आयोजन? तो यह 1982 में गुजरात में किया गया था। और 2002 से लोक अदालतों का स्थान, लोक अदालतों का स्थाई बना दिया गया, इन्हें स्थाई रूप दे दिया गया 2002 से। तो यह काफी महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी काफी महत्व रखता है यह टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यदि आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी किए ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।